कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है और ये भारत को जोड़ने का समय। कांग्रेस सांसद ने भारत जोड़ो हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया था। राहुल गांधी की टिप्पणी भाजपा पदाधिकारियों नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पार्टी से निकाले जाने के बाद आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। मालूम हो कि बीते 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 9 जून तक के लिए जेल भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत 6 जून को मथुरा आएंगे। मुख्यमंत्री यहां रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम कैथ लैब का उद्घाटन किए जाने के अलावा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के पुत्र की शादी में शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 5वीं बोर्ड की बैठक लेंगे। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए मिल रही धमकियों के लिए नूपुर की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की है। नूपुर शर्मा ने शिकायत दी थी कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 सप्ताह बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। वो कल सिद्धू मूसेवाला के गाँव मूसा पहुंचेंगे, जो पंजाब के मानसा जिले में स्थित है। मूसेवाला कांग्रेस के नेता भी थे और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मानसा सीट से चुनाव लड़ा था। कानपुर हिंसा के आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है। रविवार को 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर हिंसा में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 36 लोगों को नामजद किया गया। ATS को भी जांच में शामिल किया गया। कानपुर हिंसा में अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। चार धाम तीर्थ यात्रा पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोगों के साथ हादसा होने के बाद 25 लोगों की मौत की खबर से पूरे राज्य में मातम छा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटना के बाद रात को देहरादून पहुंच गए, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी आज वहां पहुंचे और घायलों से मिले। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी घटना पर शोक जताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जल्द गिरफ्तारी होने वाली, इसकी जानकारी शाहबाज सरकार के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 2 जून को 3 सप्ताह की ट्रांजिट जमानत दी गई थी। 23 तारीख उनकी जमानत समाप्त हो रही, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रूसी मिसाइलों ने रविवार तड़के यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली रक्षा आपूर्ति को नष्ट करने के इरादे से राजधानी कीव में कई बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। रूस ने इन हमलों में कीव को विदेश से मिले कई टैंकों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन ने अभी रूस के इन दावों की पुष्टि नहीं की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।